बोकारो दिन भर में आज बोकारो डीसी क्यों पहुंचे सेक्टर 1 के वेयर हाउस बताएंगे। आज फर्स्ट हाफ में क्यों बंद रही लक्ष्मी मार्केट की सभी दवा दुकानें ये भी बताएंगे। और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे कहां है खाने के स्वाद को लजीज बनाने वाले मसालों का बाजार, और जानेंगे इस बाजार की कुछ ऐसी खासियत को जो और दूसरे बाजार में नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो जिले के खबरों में आज, इस बार किस अलग ढंग से मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस करेंगे चर्चा, BSL में कौन सी नई मशीन का हुआ उद्घाटन जानेंगे, और बात होगी चंद्रपुरा की सब्जी और मछली मार्केट को लेकर क्या अहम निर्देश जारी किए गए, बोकारो के सभी प्रखंडों की खबर पर भी होगी नजर, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने JEE और NEET की परीक्षा को दी हरी झंडी। भारत और चीन ने सीमा पर सैन्य शक्ति बढ़ाई। भारतीय सेना प्रमुख नरवाने 2 दिन के लद्दाख दौरे पर। भारत में कोरोना केस 39 लाख के पार, 30 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। भारत में एक दिन में 83,000 से ज्यादा केस, 1,096 की हुई मौत। हरभजन सिंह IPL से हुए बाहर। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 633 अंक और निफ्टी 193 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,450 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। ये थी देश और दुनिया की खबरें। अब बात करते हैं बोकारो के समाचारों की, और सबसे पहले बात आज की कवर स्टोरी की। आज हमारी कवर स्टोरी बोकारो के एक ऐसे मार्केट की है जो आपके खाने को लजीज बनाती है। मैं बात कर रही हूँ मसालों की। मसालों के बिना तो आप खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अलग अलग शाकाहारी और मांसाहारी खानों में, फलों में और कई व्यंजनों में मसालों को डालकर उन व्यंजनों का स्वाद बढ़ाते हैं, और मसालों को खरीदते वक्त भी हम उनकी शुद्धता और क्वालिटी का बखूबी ध्यान रखते हैं। मसालों के बिना तो जैसे व्यंजन फीके से हो जाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि बोकारो में क्या ऐसा कोई मार्केट है जहां हमारी मनपसंद मसाले मिलते हों? तो ऐसा है बोकारो का साहू मार्केट। बहुत लोग इस मार्केट के बारे में जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी, तो इसलिए आज हम आपको साहू मार्केट लेके चलेंगे और जानेंगे वहां क्या कुछ खास है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आपको साहू मार्केट जाने के लिए सबसे पहले चास के पुल चेक पोस्ट के पास जाना होगा। उसके बाद जब आप पुल से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक चास का पुराना बाजार और दूसरा चास का बाईपास। आप दोनों ही रास्तों से मसाले के बाजार जा सकते हैं, लेकिन पुराने बाजार होकर जाने में आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगी, इसलिए अगर आप चास बाईपास से जाते हैं तो उसके बाद वैभव होटल से आपको लेफ्ट मोड़ने पर आप सीधा साहू मार्केट के मसाले की दुकानों में पहुंच जाएंगे। अब तो आप यहां पहुंच गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहां की खासियत क्या है। वैसे तो मसाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यहां की ऐसी क्या बात है जो लोग यहां आना पसंद किया करते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की दुकान में खरीदारी करने आए ग्राहकों से। क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है, 1 रुपया हम लोग को कम मिलता है, अच्छा सामान मिलता है। इनका क्वालिटी जो है लाजवाब है, सस्ता मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मसाला मिलता है। बाजार से लेने में क्या अंतर? यहाँ पे हमको मसाला अच्छा मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मसाला मिलता है और रेट भी चीप मिलता है, इसीलिए हमेशा लेते हैं, हर मंथ लेते हैं मसाला यहाँ से। कहाँ से आती हैं? भोजपुर कॉलोनी से। अच्छा, यहाँ से मसाला लेने का कुछ विशेष कारण? 1 रुपया हम लोग को कम मिलता है, अच्छा सामान मिलता है, इसीलिए उतने दूर से आते हैं लेने। कब से यहाँ पे आप खरीदारी कर रहे हैं? 2 साल से ले रहे हैं। सारा मसाला यहीं से जाता है? हाँ, सारा मसाला यहीं से जाता है, ले जाते हैं इसे, खड़ा भी लेते हैं, पिसवा कर भी लेते हैं, धनिया मिक्स मसाला ये सब वैसे पिसवा कर लेते हैं। सेक्टर 8 से मैं आया हूँ, हर एक माह बीच बीच में इनके पास मैं आता हूँ मसाला लेने के लिए। इनकी क्वालिटी क्वान्टिटी
दोनों जो है बहुत दुरुस्त रहती है, रेट भी इनका बहुत सही रहता है। मसाला में तो मसाला तो सभी है, हरा मिर्च, सूखा मिर्चा है, हल्दी है, मिक्स पाउडर है, इनका बहुत बेहतरीन है। आप लोग से मेरी भी गुजारिश है कभी इनका प्रयोग करके देखिए, बार बार आइएगा, मैं बराबर आता हूँ, आप ही आइएगा। इनका क्वालिटी जो है लाजवाब है, शुद्धता की विशुद्ध गारंटी है। मैं इनके यहाँ से पीसा हुआ ले जाता है। हम तेलो से आए हैं घर का मसाला लेने के लिए। कितने बार आते हैं? महीना में एक दो बार ही आते हैं। जब मार्केटिंग करना रहता है तो घर का मसाला यहीं से ले जाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, बाजार से ना लेके यहाँ से लेने का क्या? बाजार पहले हम लोग यूज सनराइज या MDH का करते थे, वो 400 रुपये किलो पड़ता है और यहाँ 200 रुपये का मतलब मिलता है मसाला, वही क्वालिटी और वही सेम, फिर क्यों 400 वाला ले? मसाला लेने आप कहाँ से आए? बंगाल से, बड़कीटांग। अच्छा, यहाँ बाजार से ना लेके यहाँ से लेने का कुछ कारण? यहाँ चीप एंड बेस्ट मिलता है, बढ़िया मिलता है, सस्ता मिलता है। हमारे सामने तीन कारण निकल कर आया है कि आखिर लोग यहाँ मसाला खरीदना क्यों पसंद करते हैं। पहला, यहाँ मसाले थोड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरा, यहाँ के मसालों की क्वालिटी अच्छी होती है। और तीसरा, यहाँ आपको खड़ा मसाला के साथ साथ पाउडर वाला मसाला भी मिलेगा और आप अपनी आँखों के सामने मसाला पिसवा कर भी ले जा सकते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ के दुकानदार कितने तरह के मसाले रखते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि गरम मसाला और मिक्स मसाले में क्या अंतर है और इन मसालों में कौन कौन से मसाले मिलाए जाते हैं। कितने तरह का मसाला आप यहाँ देखते हैं? तकरीबन 8 से 10 आइटम। मेन में मिक्स मसाला हो गया, हल्दी हो गया, धनिया है, जीरा है, गुलकी है, मिर्च है, गरम मसाला है। गरम मसाला में कौन कौन से मसाले यूज? 8 आइटम आते हैं उसमें। आपको दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, जावित्री है, सादा गुलकी है, सहजीरा है, यही सब मतलब 8 आइटम इसमें आता है। और मिक्स मसाला जो आता है उसमें तकरीबन 12 से 13 आइटम आते हैं। दोनों में क्या अंतर? अंतर हो गया, जैसे मिक्स मसाला जो होता है ना मैडम, उसको सब्जी मसाला कहिए या फिर किचन किंग कहिए, एक ही होता है। और गरम मसाला कहिए या मीट मसाला कहिए, ये एक ही होता है, समझे? सिर्फ नाम दो दिया गया है इसका। इस मसाला में आपको धनिया है, मिर्चा है, जीरा है, गुलकी है, आपको दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, कसूरी मेथी है, तेजपत्ता है, स्टार फूल है, और छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, पीपल है, जायफल है, तकरीबन 12-13 आइटम उसमें आते हैं। अच्छा, 4 तरह का हल्दी दिख रहा है, तो चारों का क्या रेट है अलग अलग? रेट जैसे क्वालिटी होता है ना मैडम, हर चीज़ का क्वालिटी होता है ना, बस उसी तरह इसमें भी क्वालिटी है। क्वालिटी के साथ क्या रेट? क्वालिटी जैसे 95 रुपये का भी है, 100 का है, 110 का है, जिस तरह का हल्दी लीजिएगा उस तरह का रेट है। सबसे अच्छा क्वालिटी? सबसे अच्छा मैं आपको ईरोड का हल्दी होता है जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, उसकी खासियत यही है कि आप थोड़ा से भी दीजिएगा अगर दाल में या सब्जी में तो आपको रंग आपको अच्छा देता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। उसका क्या रेट? तकरीबन 110 रुपये आती है, 100 से 110 के रेट में आती है। कहाँ से आप लाते हैं सारा मसाला? जैसे रांची से ले आते हैं, कुछ पटना से भी ले आते हैं, जहाँ पर तक आता है जहाँ से हम मंगा लेते हैं। आपके यहाँ से लेने से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट यही है कि हम मतलब मतलब रेट से आपको सस्ता देंगे, और हम लोग बहुत जगह से है कि रेट ज़्यादा लेता है, हम लोग पास वैसा सिस्टम नहीं है, हम लोग कम मार्जिन में हम लोग ज़्यादा माल सेल करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कस्टमर लोग दूर दूर से हम लोग पास आते हैं और ले जाते हैं सामान। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके यहाँ मशीन भी है। हाँ, तो कस्टमर के अनुसार हम लोग काम करते हैं, बहुत कस्टमर ऐसे आते हैं कि भैया हमको देकर सामने अगर पीस दीजिए तो हम लोग सामने देकर पीस देते हैं, और अगर बहुत उसमें ऐसे हैं जैसे भैया भी आ गए हैं तो पाउडर नहीं लेके चले गए, तो उनको विश्वास है और सामान उनको हम लोग सही देते हैं। पिसवाने का अलग चार्ज करते हैं? जी, 15 रुपये किलो हम लोग लेते हैं पिसाई का, और आप अगर आप बाहर से भी अगर हल्दी आप लाइएगा तो हम आपको सामने पीस दे देंगे 15 रुपये किलो। मार्केट में लेते तो वो क्या रेट है और यहाँ पे लेने से क्या रेट? जैसे हम आपको हल्दी जो 100 रुपये में देंगे वो मार्केट में आपको 110-115 यही रेट रहता है। ये थी मसालों की जानकारी, लेकिन क्या आपको पता है कि मसालों को किस तरह से घर में रखना चाहिए ताकि मसाला खराब ना हो? जानते हैं मसालों को सही ढंग से रखने का तरीका। जैसे तरीका यही है कि उसमें जैसे मान लो को डब्बा में अगर रखते हैं तो डब्बा को आप सबसे पहले ड्राई रखिए, अगर डब्बा आपका सूखा हुआ है तो आपका मसाला कभी ख़राब नहीं होगा, और मान लीजिए अगर डब्बा में अगर थोड़ा सा नमी भी रहेगा तो आपका मसाला आपको ख़राब हो सकता है, 6 महीने के बाद मसाला ख़राब होता है। तो ध्यान रहे जिस डब्बे में आप अपना मसाला रखते हैं उसमें नमी ना हो ताकि आपका मसाला खराब ना हो। तो ये थी मसालों पर आज की हमारी कवर स्टोरी। साहू मार्केट में मसाले तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ की एक और ख़ास बात है यह कि साहू मार्केट में अधिकतर दुकानें होलसेल की है, लेकिन उस होलसेल दुकानों में आप खुदरा
या रिटेल में भी सामान ले सकते हैं। चलते चलते आपको बता दें, भारत में मसालों का उत्पादन 70% होता है और जिस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है वो है आंध्र प्रदेश। कवर स्टोरी के बाद अब जान लेते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों को जो आज सुर्खियों में बनी रही। तो पेश है बोकारो की बड़ी खबरें। बोकारो उपायुक्त ने बोकारो के सेक्टर 1B के वेयर हाउस का गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने सभी कमरों की बारी बारी से जानकारियां ली और उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी मोतीलाल हेम्ब्रम को निर्देश दिया कि उस कमरे का सीपेज जल्द से जल्द बंद करवाए ताकि ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। आपको बता दें, हाल में ही बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया था। बोकारो के संत पॉल हॉस्पिटल की डॉक्टर नरगिस पॉल के पति का आज निधन हो गया, जिसके वजह से श्रद्धांजलि और सम्मान देते हुए आज सेक्टर 4 के लक्ष्मी मार्केट की सभी दवा दुकानें फर्स्ट हाफ में बंद रही। आज एक्चुअली सेंट पॉल हेल्थ फेस्ट के नरगिस पॉल के हस्बैंड मदई साहब आज नहीं रहे हमारे बीच, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इसलिए हमने पहली पाली तक अपने कार्य को चालू रखा, लेकिन उनके शोक संवेदना में दूसरी पाली को काम बंद रखा गया। लेकिन ये पूरी दिन बंद नहीं है, शाम से फिर कार्य चालू हो जाएगी। उनके शोक संवेदना में हमने सारी दुकानें यहाँ पे बंद रखी हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप थे। ये अभी सेकंड हाफ में बस कार्य को ये रखा गया, सारे मरीजों को बता दिया गया। प्रायः 1:30 बजे जब बंद हो रही थी, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि 2-3 घंटे में दुकानें फिर से खुल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन के लिए बंद रखा गया, क्योंकि ये एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी आइटम है, तो उसे नज़र में रखते हुए इसे पूरा दिन बाधित नहीं किया जा सकता। भारत में टीचर्स डे मनाने की शुरुआत 1962 में हुई थी। 5 सितंबर को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उनसे जुड़ी एक कहानी है कि जब वे उपराष्ट्रपति बने थे तो कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की। तब उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर आप इस दिन शिक्षक दिवस मनाएं तो मुझे ज़्यादा गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट अपने टीचर्स को और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इस दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम तिवारी एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स। हैप्पी टीचर्स डे। Good morning and hi. I want to say that any combination of 26 letters can't define importance of presence of teacher in our lives. Thank you and happy Teachers Day. A very happy Teachers Day to all the teachers of Bansal. We all know ki offline classes ka alag hi atmosphere hai jo online classes mein nahi aa sakta. But still, we are eagerly looking forward to studying offline institute mein apne teachers ke presence mein. A very happy Teachers Day. This Teachers Day, we the teachers of Bansal classes wishes all our dear students all the strength to succeed in their academics. इस कोरोना के पेंडेमिक के वक्त में भी हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेज है, हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा कि आप लोग अपने एकेडमिक के लिए, अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। Good morning to our teachers are the integral part of our lives. And we are in a depth of their countless efforts and hard work they did for us. Happy Teachers Day to all of you. Wishing a very happy Teacher Day, Teachers Day to my PMA teachers, to the management of the Bansal classes Bokaro. Guys, this lockdown we are going to celebrate the Teachers Day very differently, under certain restrictions, you know. And these all things have been induced by the COVID-19 situations. And in this regard, we are doing everything, every step, being our studies or say the celebration of the Teachers Day even totally virtually. And for this, we will be thankful to the technology even. BSL के OGCVRS विभाग में लाइट व्हीकल्स मूवमेंट सेक्शन में गुरुवार को मैनाटेक मेक टायर हैंडलिंग मशीन का उद्घाटन किया गया।
इस मशीन की सहायता से विभिन्न साइज के टायर का डिसमेल्टिंग और असेंबल करने का काम सुचारू रूप से होगी। चंदन क्यारी के बरमसिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग तेज हो गई है। अब बुद्धिजीवी और सामाजिक वर्ग के अलावा युवा और किसान भी खुलकर कॉलेज के लिए सामने आने लगे हैं। उनकी मांग है कि बरमसिया में अब इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण जल्द किया जाए। चंद्रपुरा में शुक्रवार से नई जगहों पर सब्जी मार्केट लगाया जा रहा है। इसे लेकर थाना परिसर में पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने एक मीटिंग की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुख्य बाजार, बिरसा मार्केट और डीवीसी मैदान के सामने लगने वाली फुटपाथ दुकानों को जहरा के संडे मार्केट में लगाया जाएगा। वहीं मुख्य बाजार समेत अन्य जगहों पर फुटपाथ में चल रहे मछली मार्केट को डीवीसी मैदान के सामने लगाने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को कसमार में चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने भूखल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूखल के परिजनों को खाद्य सामग्री और 5,000 रुपए भी दिए। पेटरवार के सदमा कला पंचायत के बुढ़वा टाण गांव में पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिन्हा और ग्रामीणों ने गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों ने मंदिर परिसर के अगल बगल पड़े कूड़े कचरे को श्रमदान कर अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया। जैना मोड़ के जीके अस्पताल में गुरुवार को पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी को अस्पताल के निदेशक दिनेश सिंह ने शॉल देकर सम्मानित किया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम में आए दिन हो रहे परिवर्तन से गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और दिन भर धूप छाव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में परिवर्तन हो सकते हैं और हल्की बारिश की भी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपसे फिर मुलाकात होगी 2 दिन की छुट्टी के बाद, लेकिन कल शिक्षक दिवस है, यानी कि टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।